हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विशाखा व्यास शर्मा। आज मैं आपके लिए जो रिव्यू लेकर आई हूँ, दिस इज़ रिक्वेस्टेड वीडियो। और ये रिक्वेस्ट वीडियो करी है स्पेशली इनसाइड कंसीलर प्लस फाउंडेशन का रिव्यू मैं करने जा रही हूँ। और इसकी प्राइस 220 रुपीज़ है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अमेज़न पे अवेलेबल है। अगर आपको परचेज़ करना है तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। 20 ml, दिस इज़ आउटर पैकेजिंग, दिस इज़ इनर पैकेजिंग, और ये ट्यूब फॉर्मेट में आता है, यू कैन सी। और इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी 20 ml है। साथ ही इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 2 ईयर्स है। एंड दिस इज़ द पैकेजिंग, और दिस इज़ मुझे बहुत ही पसंद आई है ये पैकेजिंग, बिकॉज दिस इज़ ट्यूब फॉर्मेट, प्लास्टिक का है, ट्रैवल फ्रेंडली है, इजीली आपके पर्स में, आपकी किट में रखने में आसानी रहती है। आप इजीली कहीं पे भी ट्रैवलिंग के लिए इसे ले जा सकते हैं। और साथ ही अब मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। इट सेज़ कंसीलर प्लस फाउंडेशन, नॉट जस्ट एक्ट एज अ बेस फॉर द रेस्ट ऑफ द मेकअप, बट ऑल्सो कंसील्स इन परफेक्शन एंड यूनिफाई द स्किन टोन टू गिव अ फ्लॉलेस फिनिश। यू कैन स्किप कंसीलर वाइल यूजिंग इट एज इट वर्क्स ग्रेट अ कंसीलर टू। आप कंसीलर स्किप कर सकते हैं इसे यूज़ करने के बाद, और ये काफ़ी मैटिफाई लुक देगा आपके स्किन पर। इट्स ऑल्सो रिड्यूस पोर साइज टू ग्रेट एक्सटेंड एंड कंटेन्स सेवरल इमोलियंट विच मॉइस्चराइज योर स्किन। इट स्टेज ऑल डे लॉन्ग विदाउट फेडिंग। तो और इसे यूज़ करने के इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर इस तरह से दिए हुए हैं। और इसे यूज़ करने के जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें लिखा है, सबसे पहले आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए, उसके बाद उस पर बहुत ही अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें, और इसे अपने हैंड्स पर ब्लेंडर या फिर मेकअप ब्रश या फिर आप हैंड से भी डैबिंग मोशन में अपने फेस और नेक पर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पर जो कि ट्यूब पर भी इसकी डिटेल थोड़ी बहुत डिटेल लिखी हुई है। इसका शेड जो है वो इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, यू कैन सी, और आप देख सकते हैं। और इसके 6 शेड्स अवेलेबल हैं। मैंने क्रीम बेज ऑर्डर किया है, इसमें क्रीम मैट भी होता है, और मतलब जो भी शेड आते हैं उसके 2 फॉर्मेट में इसके फाउंडेशन आते हैं, क्रीम प्लस एंड मैट। मैंने क्रीम इसलिए ऑर्डर किया है बिकॉज विंटर्स आ रही है, और मैं मैक्सिमम क्रीम टाइप का ही फाउंडेशन इस्तेमाल कर सकती हूँ करती हूँ। यू कैन सी, मैंने इस वक्त अपने फाउंडेशन इसी फाउंडेशन को अप्लाई किया हुआ है। मैंने इस पूरे नवरात्रा में इसे ही इस्तेमाल किया है। और साथ ही इस पे लिखा है, स्मूथ द एंड सॉफ्ट टेक्सचर, ब्लेंड इजीली विद योर स्किन, इट हैज़ हाई कवरेज विद मैट फिनिश, इट वाटर प्रूफ फॉर्मूला मेक्स इट स्टे ऑल डे। जी हाँ, दिस इज़ वाटर प्रूफ फॉर्मूला, मैट बनाता है, काफ़ी क्रीम फाउंडेशन होने के बावजूद काफ़ी मैट आपको आपकी स्किन पर लगता है, साथ ही आपके स्वेट को रोकता है। और मैंने इसे विद प्राइमर भी इस्तेमाल किया है, और करंटली मैंने इसे विदाउट प्राइमर इसको इस्तेमाल करा है, और ये ऑक्सीडाइज भी नहीं करता है आपकी स्किन को। और जो मेरे टोन के हैं, फेयर टोन हैं, उनके लिए बेज और हनी शेड परफेक्ट है। तो दिस इज़, अब मैं आपको इसका टेक्सचर बता देती हूँ। गैस, मैं इसका टेक्सचर आपको बताती हूँ, पर उससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने इसे ये इतना ऐसा जितना कोई हाई कवरेज, मैं अपने आधे हैंड पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके बताऊंगी, और अपने आधे हैंड पर आपको इसको विदाउट मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके बताऊंगी। वैसे आप मेरी राय माने तो इसे मॉइस्चराइज़र के साथ ही इस्तेमाल करें विंटर्स में, और सही मायनों में इसकी जो ऑयली स्किन पर टेस्टिंग है वो तो समझ में ही हो पाएगी, बिकॉज अब थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ने लगी है, और स्किन इतना ऑयल छोड़ती नहीं है, मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है। सो अब मैं आपको बता देती हूँ, मैंने यहाँ पर इस तरह से ये लिया है, इस तरह से यहाँ पर ये मॉइस्चराइज्ड एरिया है और ये ड्राई एरिया है। तो इस तरह की आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटा सा इसमें इस तरह से आप फाउंडेशन निकाल सकते हैं, ताकि गंदगी भी नहीं होती ट्यूब में, छोटा सा थिन इसका सेक्शन है। तो यू कैन सी, मैंने इससे अप्लाई किया है। वैसे इसमें लिखा है ये हाई कवरेज है, पर मेरा माने तो ये लो टू मीडियम कवरेज ही देता है, और वैसे भी इंडियन स्किन टोन पर लो टू मीडियम कवरेज ही देखता है। आप यू कैन सी, आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादा हाई कवरेज दिया है, यहाँ पर लो कवरेज दिया है। गाइस, मैं बता देती हूँ, यहाँ पर बहुत ही पैची लग रहा है एकदम से, आपको शायद पता नहीं चल रहा है, पर मुझे पता चल रहा है। और यहाँ पर काफ़ी ईज़िली मॉइस्चराइज़र के साथ ये ब्लेंड हो चुका है, और मेरी राय माने तो आप इसे मॉइस्चराइज़र के साथ ही अप्लाई करें, अगर आप परचेस कर सकते हैं तो। और मेरा इसको जो वोट जाता है वो अप्रोक्स 10 out of 8
7 7 आई थिंक 7 मैं इसको मार्क्स देना चाहूँगी 10 में से। अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है और आपको मैट लुक फिनिश चाहिए, आपको क्रीम में भी अगर ऑप्शन चाहिए तो दिस इज़ गुड, बट ओके मान सकते हैं, लाइक मैं ओके बोल सकती हूँ इसके बारे में। इस ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं आपको सजेस्ट करूँगी, बट हाँ 7 मार्क्स मैं देती हूँ। तो अगर आपका बजट नहीं है तो यू कैन गो विद दिस, ऐसे कोई हार्मफुल नहीं है, स्किन पर अच्छे से ब्लेंड करता है और लॉन्ग लास्टिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 4 से 5 घंटे आपके फेस पर बिल्कुल भी कोई भी डिऑक्सीडाइज नहीं करता है आपके फेस को, ऑक्सीडाइज नहीं करता है आपके फेस को। सो दिस इज़ माई रिव्यू अबाउट इनसाइड कंसीलर फाउंडेशन। और इसको यूज़ करने के बाद आपको कंसीलर भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन सी मैंने अभी तक कोई कंसीलर अप्लाई नहीं किया है और काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है। तो थैंक्स टू डियर सब्सक्राइबर, आपने मुझे ये सजेस्ट किया है। और अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।